तो भाई लोग नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज आई है द इनपरफेक्ट। ये एक साइंस फिक्शन और सुपर हीरो टाइप की सीरीज है और इसके टोटल 10 एपिसोड है। तो इसी का रिव्यू आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हो मेरे भाई, मेरा नाम है प्रकाश नारायण, आपका स्वागत है फिल्मी फैंस के एक और नए रिव्यू वीडियो में। तो भाई जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ द इम्परफेक्ट, जो कि नेटफ्लिक्स की एक सीरीज है। इसके टोटल 10 एपिसोड है। तो यह एक साइंस फिक्शन एंड सुपर हीरो टाइप की मूवी है। अगर बात करें सीरीज की स्टोरी की, तो इस सीरीज की स्टोरी है कुछ ऐसे टीनेजर लड़के होते हैं जिनके शरीर में कुछ अलग से बदलाव महसूस होते हैं और वो डॉक्टर के पास चेकअप करने जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि इनके शरीर पर एक्सपेरिमेंट किया गया है और इनको बहुत ही अलग अलग तरीके के सुपर पावर टाइप के चीजें महसूस होने लगती है। एक बंदा है जो भेड़िया के रूप में बदल जाता है, एक लड़की है जिसके शरीर से गंध निकलते हैं, एक अलग तरह के उसका शरीर स्मेल करता है जिसके कारण से लोग उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसके बातों को मान सकते हैं, ऐसा दिखाया गया है। एक और लड़की है जिसको बहुत दूर की छोटी छोटी सी आवाजें सुनाई देने लगती है और वो हर छोटी सी छोटी चीज को बहुत दूर से मिलो दूर से सुन सकती है। तो भाई उसके सेंसर बहुत तेज हो जाते हैं। और इन सभी लोगों के अलावा और भी कई लोग होते हैं जिनको इस तरह की सुपर पावर मिली होती है और वो सिर्फ होता है उस साइंस एक्सपेरिमेंट के चलते। और इन सुपर पावरों के चलते इनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और वो इन सारी चीजों से परेशान होते हैं। इनको ये सारी ताकतें नहीं चाहिए। जिस डॉक्टर जिस क्लिनिक से इनको ये सारी सुपर पावरें ये सारे इफेक्ट मिले हैं, ये सारी चीजें इनको मिली है, उनको ये वापस से खत्म करने के लिए उस क्लिनिक पर जाते हैं। वहां पर जब डॉक्टर बताते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है तो ये लोग काफी निराश होते हैं। ये लोग अब इसका इलाज ढूंढना चाहते हैं और उसी के पीछे ये पूरी सीरीज चलती है। और एक बात मैं इस सीरीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जब इन लोगों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट होता है तो इन लोगों को पता नहीं होता है और इनके शरीर में जब बदलाव आते हैं तो उनको रोकने के लिए एक दवाई इनको दी जाती है। वो दवाई भी अब काम नहीं कर रही है, बेअसर हो गई है। तो अब ये लोग काफी परेशान हो गए हैं और ये अपना शरीर का इलाज चाहते हैं, ये पहले की तरह बनना चाहते हैं, वही वापस से ह्यूमन बनने के चक्कर में ये सारी स्टोरी आगे बढ़ती है। क्या वो वापस से ह्यूमन बन पाते हैं या उनको सुपर पावर वाली शक्तियाँ पसंद आने लगती है, इन सारी चीजों के पीछे कौन है, तो इन्हीं सारी चीजों के लिए आपको यह सीरीज देखनी पड़ेगी। तो ओवरऑल बात करें पूरी सीरीज की, तो यह सीरीज ठीक ठाक है, इसका विजुअल अच्छा है, इसका सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, एक अच्छी वेल मेड लगती है। लेकिन जहाँ तक बात कर रहे हैं इसकी स्टोरी की, तो इसकी स्टोरी ठीक ठाक है लेकिन उतना गहराई नहीं है, उतना ये सुपर हीरो उस तरह की चीजों को फोकस नहीं करती है, कह सकते हैं कि उतना डिटेल में नहीं जाती है, जिस कारण से ये सीरीज ठीक ठाक ओके वाले कैटेगरी में आती है। तो हाँ एक बात मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा, इसकी हिंदी काफी अच्छी है, इसको डब काफी अच्छी तरीके से किया गया है। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप एक ठीक ठाक सीरीज देखना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, तो इस सीरीज को एक बार देख सकते हैं। रही बात इस सीरीज को रेटिंग देने की, तो मैं इस सीरीज को 10 में से 6 की रेटिंग देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट में जरूर लिखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।